आइए दोस्तों, आज हम आपको डिजाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। ये देखिए, ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैंने प्रेस से अच्छी तरीके से प्रेस करके इसको बिछा लिया है, और ये बंद वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है। ये 4 फोल्ड में है, और ये कपड़ा है, ये देखिए, इसके 2.25 मीटर। तो ये 2.25 मीटर बढ़िया रच का कपड़ा है। इधर साइड से इसकी बाजू निकल जाएगी। तो इसको सीखने के लिए वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से बिल्कुल इसको बिछा लिया है सही तरीके से। इसको देखिए, ये जो नाप है, नाप ये है 41 इंच लंबाई, 20 इंच इसकी आधी चेस्ट है ये, और 17 इंच कमर है, और 16 इंच बाजू की लंबाई है, और 10 इंच मोरी, इसमें हिप नहीं है, 14 इंच तीरा है, और 5 इंच बैक गला है, 6 इंच फ्रंट गला है। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये सीधा आप अपने साइज के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। लंबाई कम्बल वो आप कर लें। ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से 7 इंच 15 इंच पे कमर का निशान लगाऊंगा। 14.5 इंच तैयार है, हिप का निशान नहीं है। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से ये निशान लगेगा, और ये वाला जो कमर वाला निशान है, ये पूरा लगेगा इस तरीके से। ये देखिए, 20 इंच चेस्ट है इसकी आधी, तो उसके चौथाई जो हो जाएगा वो 40 इंच टोटल है, तो चौथाई 10 इंच इस तरीके से। तीरा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो आपने साइज लिया है। मैं 13 इंच से काट रहा हूँ तीरा इसका, क्योंकि इसका बैक गला जो है वो 5 इंच है, तो मैंने 14 इंच तीरा नापा था, तो 1 इंच तीरा कम कराया मैंने। और कमर इसकी 17 इंच है, तो ये 17 का आधा जो हो गया वो 8.5 इंच इस तरीके से। और ये सेफ फट्टी से हम यहाँ से निशान लगा लेंगे, ये देखिए, और ये आरमोल का निशान लगाएंगे। ये तो फ्रंट का हो गया, और ये वाला निशान जो है, हम 4 तह में काट रहे हैं इसको, तो हम पहले जो है वो बैक काटेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये बैक का निशान लगा लिया। मार्जिन जितना भी, 1 इंच 1.5 इंच, वो आपकी पसंद है, आप कितना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये नीचे जो है, इसमें कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा है, तो इसको इस तरीके से देखिए, ऐसे करके निशान लगा लें, क्योंकि नीचे हम इसमें तुरपाई नहीं करेंगे, सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, देखिए इसको काटेंगे इस तरीके से, और ये हल्का सा यहाँ से डाउन कर देंगे। ये देखिए, पहले हम बैक काटेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा मार्जिन हो गया। और इसको देखिए, यहाँ तक लाने के बाद में इस तरीके से, ये जो हमने निशान लगाया है, इसको हम इस तरीके से ये सीधा काट लेंगे। ये देखिए, ये कपड़ा, इसमें से हम बाजू और खर्चे के काम आ जाएगा हमारा। ये देखिए इस तरीके से, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको भी देखिए, हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अभी सीधा करने के बाद में देखिए, यहाँ से 3.5 इंच इस जगह से, ये अब 3.5 इंच ये है, तो इसको भी देखिए इस तरीके से हम यहाँ से काट लेंगे। ये 3.5 इंच जुड़ा रहेगा, मतलब टोटल 7 इंच। ये देखिए, ये इस तरीके से, और ये हम देखिए निशान लगा लेंगे, और ये वाले भी। अब देखिए, हम ये बैक और फ्रंट में से एक पल्ला निकाल देंगे, बैक वाला इस तरीके से। ये देखिए ऐसे करके, और ये फ्रंट का हम
इस तरीके से देखिए काट लेंगे। अब ये काटने के बाद में देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक पल्ला हम इसमें से देखिए पूरा निकाल लेंगे ये बैक का इस तरीके से, और ये फ्रंट वाला पल्ला जो है इसको देखिए इस तरीके से हम ये बिछाएंगे। ये देखिए ऐसे करके ये इतना हिस्सा हमारा जुड़ा हुआ है। अब ये जो हमारा कपड़ा है ये एक्स्ट्रा है, इसका देखिए किस तरीके से यूज करना है हमें। देखिए इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, जो प्लेट है हम यहाँ पे डालेंगे प्लेट है देखिए इस तरीके से। ये इधर को डालेंगे, मैं इधर से दिखा देता हूँ ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके इसके ऊपर है ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके ये हमारा ये बराबर आ गया। तो एक तरफ हम इस तरीके से 5 प्लेट डालेंगे ये देखिए ऐसे करके, इनकी गैपिंग हम बराबर कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये 5 प्लेट इधर पड़ जाएंगी, और फिर 5 प्लेटें देखिए इधर की साइड में पड़ेंगे। इस तरीके से ये देखिए, तो इस तरीके से ये 5 प्लेटें हम इधर डालेंगे। तो ये 5 इधर और 5 इधर ये प्लेटें हम डाल के हम इसी तरीके से आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने प्लेटें डाल ली हैं इस तरीके से, और प्लेटें डाल के ये सिलाई लगा ली है ताकि ये प्लेटें इधर उधर ना हो, और इस साइड में भी, और ये दूसरा वाला पल्ला है इसमें भी देखिए इसी तरीके से मैंने ये प्लेटें डाल ली और सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा है या तो इसके नीचे एक कपड़ा रख के कोई उस पर इस तरीके से सिलाई लगा के इसको कच्चा ऐसे ही कर देंगे, और उसके बाद में ये वाली लैस है इस लैस को देखिए यहाँ से इस तरीके से दोनों तरफ मार्जिन आधा आधा करके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे यहाँ से, और इसी तरीके से ये यहाँ पर लगाएंगे। तो चारों पल्लों में यहाँ पे ये लैस लगाएंगे, तो ये इस तरीके से ये आएगा। इसको चलिए इसको सीखने के लिए चलते हैं मशीन पर। ये देखिए ये मैंने एक पट्टी काट ली है इस तरीके से 1 सवा इंच चौड़ी, और इसको एक साइड से तो ये करनी है, तो दूसरी साइड से मैं इसको इस तरीके से देखिए फोल्ड कर लूँगा। और ये देखिए ये फोल्ड करने के बाद में इसको इस तरीके से जो हमने ये प्लेटें डाली हैं ये वाला पल्ला इस तरीके से लेंगे, और देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे ये देखिए ऐसे करके। ये देखिए इस तरीके से ये जो प्लेट है प्लेट बराबर जितनी गहरी है उसी हिसाब से इसको लास्ट वाली को डालनी है। ये देखिए, और ये कपड़ा ये है इसको हम यहाँ से काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये जो है इसको बराबर ऐसे करके रखेंगे, और ऐसे करके देखिए सिलाई लगाएंगे ये देखिए ऐसे करके। एक इस तरीके की मशीन भी आती है जिससे कि जिगजैग ऐसे करके आप सिलाई लगाएंगे तो दोनों तरफ जैसे कढ़ाई वाली होती है उस तरीके से, जैसे हम पीको करते हैं तो वो दोनों तरफ टाँके लेती है उससे। अगर वो मशीन है तो ये कपड़ा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरीके से जब हो जाएगा तो इसमें जितने भी धागे ये निकलते होंगे इनको देखिए काट देंगे। काटने के बाद में ये देखिए जो लैस में लगाने के लिए कह रहा था इस लैस को ले लेंगे, ये देखिए इसके बराबर ये नाप के, और इससे 1 इंच करीब एक्स्ट्रा इसको काट लेंगे।
अब ये देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए हल्की सी एक्स्ट्रा लेके चलें ताकि छोटी पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी, बड़ी होगी तो काट लेंगे। तो इस तरीके से जहाँ से हमने प्लेट डाली है उससे एक आध सूत एक्स्ट्रा करके ऐसे हम ये देखिए इसको फोल्ड कर देंगे यहाँ से, और ये ऐसे करके इसको घुमा देंगे। देखिए कपड़ा जो नीचे लगाया था उस वो इसलिए लगाया था ताकि उससे थोड़ी सी मजबूताई रहेगी, और जो वो धागे निकलते हैं ना ये, अब ये दोनों के बीच में हो जाएंगे तो इसलिए वहाँ पर इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके इधर से ये बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये मैं चारों पल्लों में ये लगा के लैस फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इस तरीके से प्लेटें ये डाल के और ये नीचे कपड़ा लगा के और ये लैस लगा ली है। और लैस लगाने के बाद में देखिए ये मैंने गला बना रखा है, तो अब इस गले को देखिए मैं इस तरीके से 20 सेंटर से ये कट लगाऊंगा, और ये देखिए ये दोनों कट इस तरीके से मिला के और इसका भी 20 सेंटर इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये देखिए इसको फिर हम इस तरीके से देखिए 20 सेंटर से कच्चा करेंगे। कच्चा इसीलिए करते हैं ताकि गला हमारा इधर उधर ना भागे। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए बिल्कुल इसके जड़ में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब ये एक पैर के मार्जिन से इस तरीके से देखिए गला हम काट लेंगे। ये देखिए ये हल्के यहाँ पे दो तीन कट लगा लेंगे ताकि गला सही ढंग से बैठ जाए इस तरीके से। इसको हम इसके बिल्कुल किनार पे एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ऐसे करके ये इस पर किनार की सिलाई इसीलिए लगा देते हैं कि ताकि ये गला बैठ जाए सही ढंग से। ये देखिए ऐसे, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना लगाएं। ये देखिए ये इस तरीके से ये गला बैठ जाता है। अब ये हमारी बैक है, बैक में भी हम इसी तरीके से सेंटर से कट लगा के और ये बैक गला हम इसमें पलट लेंगे। पलटने के बाद मैं यहाँ पे कंधी अटैच करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बाजू जू चढ़ा के सेट को किस तरीके से जोड़ेंगे। ये देखिए ये गला मैंने इस तरीके से ये कंधी जोड़ के और इस तरीके से कर लिया तैयार। अब ये सेट की सिलाई जो हम लगाएंगे, इस सिलाई को देखिए बड़े ध्यान से लगाएं, क्योंकि इस सिलाई को लगाएंगे जब ना तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो लैस लगी है वो ऊपर नीचे ना जाए, नहीं तो फिर सेट से ये चीज़ नज़र आती है। देखिए इसको यहाँ से अच्छी तरीके से मिला लेंगे, अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसको खोल के सही कर लें। ये देखिए इस तरीके से पहले तो सही करके लगाएं, अगर बाय चांस थोड़ी 19-20 हो जाए तो उसको खोल लें, क्योंकि फिर गंदी लगेगी, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि ये नज़र आती है यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से, इसको इस तरीके से देखिए लैस को रखेंगे और ये मिलाएंगे। ये देखिए ऐसे,
इसको चेक कर लें, जो सिलाई लगाई है हमने कि ये हमारी लेस, देखिए ये बिल्कुल एकदम बराबर है। इस तरीके से ऐसे लगाएं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी लगेगी कि ये यहाँ पे कट नहीं है। इसी तरीके से ये देखिए इधर भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक वाला है काम, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो लेस गंदी नज़र आएगी ऊपर नीचे, इसका ध्यान रखें। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, अब इसको देख लें ऐसे करके, देखिए जैसे ये थोड़ा सा हट गया ऊपर नीचे, तो ये कितना गंदा सा लग रहा है। तो इसको खोल के ये सही कर लें, ये बस ज़्यादा नहीं खोलना है, इसको हल्का सा यहीं पर ऐसे ये टाँका लगाएंगे और बस इसको इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके, अब ये देखिए ये इस तरीके से पहले से बेहतर है, ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे इतनी तो खैर चल जाएगी कि इधर तो बिल्कुल बराबर है, वो बिल्कुल हट गई थी। तो इस तरीके से खोल के आप सेट कर लें। अब ये देखिए जैसे हमारी ये सेट की सिलाई लग गई है, सेट की सिलाई लगने के बाद में देखिए इसकी लुक कैसी आएगी। ये देखिए इस तरीके से आता है, जब ये देखिए इस तरीके से ये दोनों बैक और फ्रंट से ये प्लेट ऐसे आएंगी थी। अब इसकी ये बाजू हमने पहले ही देखी, ये बना रखी है, और ये बाजू को हम देखिए इस तरीके से ऐसे करके इसको पकड़ेंगे, और ये बीच सेंटर यहाँ से ऐसे ऊपर से कंधी से बिल्कुल बराबर यहाँ पे ये इसका कट लगा लेंगे, और इस तरीके से देखिए ऐसे ये जो बाजू का सेंटर है वो ये कट पर रखेंगे इस तरीके से, और ये देखिए इस तरीके से ये बाजू चढ़ाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जब इतनी सिलाई लगा ली, उसके बाद में जो ये कट है, इस कट को इस कट से जो ये सेंटर है यहाँ पे मिला लें, अगर थोड़ा कम बढ़ाता हो तो उसी तरीके से इसको बाजू को खींचना है तो बाजू को खींच लें। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये इस तरीके से देखिए बाजू बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ में, कहीं कोई झोल नहीं है ना इधर ना इधर। इसी तरीके से ये दूसरी बाजू चढ़ा के और नीचे का घेरा फोल्ड करके फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी फाइनल लुक है इस तरीके से। देखिए ये हमने ये डमी पे ये डाल दिए, ये देखिए इस तरीके से ये बाजू भी ये बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए जैसे ये प्लेट है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए जैसे ये लैस है यहाँ से इस तरीके से ये प्लेटें इधर आएंगी, और ये दूसरी वाली प्लेटें जो हैं वो इस साइड में जाएंगी, क्योंकि ये साइज की नहीं है इसलिए ये लूज है हल्की सी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये प्लेटें हैं। तो इस तरीके से ये अपनी आप कुर्ती डिजाइनदार बना सकते हैं बड़े आसान तरीके से इसी तरीके से। और ये जो लैस जो लगाई है, इस लैस की जगह पे आप कोई, जैसे ये कंट्रास्ट कलर है, इसकी लैस ना लगा के आप पट्टी लगाना चाहें तो पट्टी भी लगा सकते हैं। अगर कंट्रास्ट करके पट्टी भी नहीं लगाना चाहते हैं तो इसी का ही सेम पट्टी से इसको भी फिनिश कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आसानी से आप अपनी डिजाइनर कुर्ती बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।